कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक प्रकार का आरएनए वायरस है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि पहले ये जानवरों में अपनी बीमारियां पैदा करता था, पर एक एक्सीडेंटल एक्सपोजर की वजह से अब ये मनुष्यों के अंदर भी अपनी बीमारी पैदा करने में सक्षम है। जैसे कि मैंने बताया, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है और उसका अर्थ है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक, मुंह, गला, गले के पीछे का एरिया, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी श्वास नली एवं लंग्स यानी फेफड़े शामिल है। तो अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी जगह कोरोना वायरस अपना इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ पेशेंट्स के अंदर बहुत ही हल्की फुल्की रेस्पिरेटरी बीमारी होती है, जैसे छोटी सी खांसी होना, गले में दर्द होना, हल्का फुल्का जुकाम होना, बहुत ही हल्का बुखार होना। 80% जो मनुष्य होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों के अंदर ये बहुत माइल्ड डिजीज़ पैदा करता है। 20% ऐसे पॉपुलेशन हैं जिनके अंदर ये सीरियस डिजीज़ पैदा कर सकता है। अगर मैं सीरियस डिजीज़ को रेफ़र करूँ तो सीरियस डिजीज़ का अर्थ होता है गंभीर प्रकार से होने वाला निमोनिया। जब निमोनिया दोनों फेफड़ों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है तो मनुष्य को श्वास लेने में तकलीफ होती है। सीवियर फॉर्म ऑफ सेप्सिस हो सकता है, जो कि एक इमरजेंसी है, और इस श्वास लेने की दिक्कत एवं सेप्सिस की वजह से पेशेंट को आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। ज़रूरी भी ये भी हो सकता है कि उस पेशेंट को वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़े। इसी पूरी अवस्था को और प्रकार को हम सीरियस डिजीज़ कहते हैं।